क्या होगा अगर तुम एक ऐसे आइलैंड पर स्पॉन हो जहाँ पर सिर्फ एक पेड़ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक सिर्फ पानी है। क्या तुम ऐसे आइलैंड पर सर्वाइव कर पाओगे? तो आंसर है पता नहीं, बट डोंट वरी, तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक सर्वाइवल आइलैंड पर 100 डे सर्वाइव करने की, और वो भी हार्डकोर मोड में। और इस वीडियो में हमारे साथ काफी सारी एपिक चीजें हुई, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम शुरू होते ही हमने सबसे पहले पेड़ काटा और उससे हमें मिली 3 ट्री सैपलिंग्स। पेड़ लगाने के बाद हमने अपने लिए एक शॉल बनाया और फिर बीज के लिए घास काटी। हमें टोटल 16 सीड्स मिले जिन्हें हमने जल्दी से पानी के पास लगा दिया। उसके बाद हमने थोड़ी डर्ट कलेक्ट की, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और फसल लगने में अभी बहुत ज्यादा टाइम था, तो हम गए मछली पकड़ने और डे 1 पर ही हम मछुआरे बन गए थे। रात होने से पहले हमने अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई क्योंकि हमारे पास बेड नहीं था, तो पूरी रात हमने सिर्फ माइनिंग की। और माइनिंग करते करते हमने खाना पकाने के लिए एक फर्नेस और साथ में स्टोन के कुछ टूल्स भी बनाए। अगला दिन शुरू होने से पहले हम मछली पकड़ने चले गए और काफी देर हमने शिकार किया। थोड़ी देर बाद हमारे नए पेड़ भी उग गए। पेड़ काटने के बाद हमें मिले कुछ सेब, लकड़ी और ट्री सैपलिंग जिन्हें हमने जल्दी से लगा दिया, और उसके बाद आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया। डे 2 की रात को भी हमने माइनिंग ही की और हमें मिला आयरन। डे 3 पर हमने आयरन से एक शील्ड और एक पिकेक्स बनाई। माइनिंग करते करते हम काफी नीचे आ गए थे, तो हमने अपने लिए कुछ सीढ़ियां बनाई ताकि हम जल्दी ऊपर जा सके। और जब हम बाहर आए तो हमारे कुछ पेड़ भी उग गए थे और फिर उन्हें काटने के बाद हमने नए पेड़ों को लगाया, लेकिन कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो गया तो हमने टॉर्चेस बनाई और फिर उन्हें आइलैंड पर लगाने लगे। लेकिन तभी एक ड्रॉनर ने हम पर अटैक कर दिया और ट्राइडेंट के सिर्फ एक ही शॉट से हमारी एचपी हाफ हो गई, पर थोड़ी हिम्मत करने के बाद हमने उसे मार दिया। फिर हमारी फसल भी तैयार हो गई थी, तो डे 3 पर हमने फसल को काटा और फिर आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया। डे 4 पर हमने अपनी झोपड़ी को रिमूव किया क्योंकि अब टाइम था एक आलीशान घर बनाने का, लेकिन सबसे पहले हमने पेड़ों को काटा और फिर ट्री सैपलिंग को लगाया। उसके बाद हमने घर पर काम शुरू किया। और रात तक हमने घर को लगभग पूरा भी कर लिया था, लेकिन फैंटम ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो हमने काफी देर उनसे फाइट की और उन्हें मारने के बाद हमें मिली फैंटम मेम्ब्रेन जो कि पोशन बनाने के काफी काम आएगी। डे 5 पर हमने थोड़ी फसल और पेड़ काटे। उसके बाद हमने काफी देर घर पर काम किया और उसकी छत को कम्प्लीट किया। फिर हमने थोड़े और पेड़ काटे और अब हम पेड़ों की एक दुकान भी खोल सकते हैं। उसके बाद हमने घर में खिड़की और दरवाजे लगाए, लेकिन घर को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हमने फ्लोर के लिए स्टोन ब्रिक्स बनाई और फिर सामान को अंदर प्लेस करने के बाद हमारा घर कंप्लीट हो गया। डे 6 पर हम गए डायमंड की तलाश पर, जहां हमने काफी देर तक स्ट्रिप माइनिंग की, लेकिन डायमंड की जगह हमें सिर्फ आयरन ही मिला। डे 7 पर हमने आयरन से आर्मर बनाया, लेकिन बूट्स के लिए हमारे पास आयरन कम पड़ गया, तो हम गए माइन में और आयरन माइन करने के बाद हम घर वापस आए। उसके बाद हमने थोड़ी फसल काटी, खेत को थोड़ा बड़ा किया और फिर फाइनली आर्मर को कंप्लीट किया। उसके बाद हम दोबारा से गए डायमंड की तलाश पर और पूरा दिन माइन करने के बाद भी हमें सिर्फ एक डायमंड मिला। डे 8 पर भी हमने अपनी तलाश जारी रखी और इस बार डायमंड के नाम पर हमें सिर्फ एक एमराल्ड मिला, और बेचारी एक पफरफिश ने तो हमारे सामने आत्महत्या ही कर दी। रात को हम घर वापस आए और उसके बाद फसल काटने लगे, लेकिन फिर एक समुद्री जॉम्बी और बड़े चमगादड़ों ने हमारे ऊपर गैंग बनाकर अटैक कर दिया, और एक चमगादड़ तो हमारे घर में ही घुस गया था जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डे 9 पर हमने फार्मिंग की और थोड़ी मछलियां पकड़ी, और अब हमारे पास ढेर सारे पेड़ भी हो गए थे, तो हमने उनके लिए एक ट्री फार्म बनाने का सोचा और फिर पूरा दिन सिर्फ उसी पर काम किया। रात तक हमने उसे पूरा भी कर लिया था, लेकिन जब हम डर्ट इकट्ठा करके वापस आए तो वहां पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, तो इसलिए हमें जबरदस्ती माइनिंग करने जाना पड़ा। डे 10 पर भी हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और हमें मिली एक माइनशाफ्ट। हम बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि माइनशाफ्ट से वेब स्ट्रिंग्स कलेक्ट करके अब हम फाइनली एक बेड बना सकते थे। तो उसके बाद हमने ढेर सारे मॉब्स को मारा और बहुत सारी स्ट्रिंग्स कलेक्ट की। थोड़ी देर बाद हमें डायमंड्स मिले, लेकिन वहां पर बहुत सारे मॉब्स थे। तभी एक छोटी मकड़ी ने हम पर अटैक कर दिया और उसके हाथों हमारा अंत होने ही वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से हम एक बार फिर से बाल बाल बच गए।
उसके बाद हमने डायमंड्स को कलेक्ट किया, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही डायमंड्स मिले, तो बाकी के दिन भी हम माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करते रहे। और एक बार फिर हमें दर्शन दिए डायमंड्स ने, लेकिन इस बार भी हमें सिर्फ 3 ही डायमंड्स मिले। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि डायमंड्स के अलावा भी हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान मिला। डे 11 पर हमने एक डायमंड पिकैक्स बनाई और फिर ऑब्सीडियन माइन किया, और इतना सारा सामान इकट्ठा करने के बाद हम घर वापस आए। घर वापस आकर हमने एक बेड बनाया और फाइनली सो गए। डे 12 पर हमने सबसे पहले फार्मिंग की, ट्री फार्म को कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने ट्री फार्म पर पेड़ लगाए। डे 13 पर हमने घर के आसपास के सारे पेड़ काटे और फिर उन पेड़ों से मिली सैपलिंग को फार्म पर लगाया, और अब हमारा ट्री फार्म पेड़ों से पूरा भर गया था। तो बचे हुए दिन हमने फार्मिंग के बिजनेस को थोड़ा और एक्सपेंड किया। हमारा घर दिखने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो डे 14 से डे 17 तक हमने घर के ऊपर ढेर सारा काम किया। और अब हमारा घर पहले से काफी अच्छा लग रहा था। डे 18 पर हमने बचे हुए पेड़ काटे और फिर अपने खेत को और भी बड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद हमने पूरा दिन फार्मिंग की। डे 19 पर हमने फार्म को एक्सपेंड करने के लिए जमीन से ढेर सारी डर्ट को कलेक्ट किया, और घर की नजदीक ही हमें काफी क्ले मिल गई, तो हमने ढेर सारी क्ले भी कलेक्ट की, और फिर डे 19 से डे 20 तक आइलैंड को एक्सपेंड किया। डे 21 पर हमने अपने खेत को और भी बड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने बनाया एक नेदर पोर्टल। डे 22 पर हम गए नेदर में, लेकिन हमारे चारों तरफ सिर्फ नेदर एग था, तो हमने काफी देर तक उसे माइन किया और हमें फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिली गया। लेकिन हम नेदर की सबसे बेकार बायोम के पास स्पॉन हुए थे और वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, तो हमने अपने लिए एक रास्ता बनाया और उसे चारों तरफ से कवर कर दिया। डे 23 पर हमने एक मॉब फार्म बनाना शुरू किया, और फिर डे 23 से डे 26 तक हमने फार्म पर ही काम किया। और डे 26 पर हमारा फार्म कंप्लीट हो गया। डे 27 पर हमने पहले फार्मिंग की और उसके बाद हम गए माइनिंग पर। फिर डे 27 और 28 पर हमने माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर किया और हमें एक स्पाइडर स्पॉनर मिला, और स्पॉनर के पास हमें मिली एक गाजर। डे 29 पर हमें एक स्पाइडर स्पॉनर मिला, और उस जगह को थोड़ा क्लियर करने के बाद हमें कुछ डायमंड्स दिखाई दिए, लेकिन उससे पहले हमने मकड़ी के जालों को रिमूव किया और फिर स्पॉनर के चारों तरफ टॉर्चेस लगाई ताकि कोई भी स्पाइडर स्पॉन ना हो सके। उसके बाद हमने डायमंड्स माइन किए और हमें मिले सिर्फ 2 डायमंड्स, लेकिन उसके बाद भी हमने खोज जारी रखी और हमें एक बार फिर से डायमंड्स मिले, पर इस बार भी सिर्फ 3। डे 30 पर हमें एक जॉम्बी विलेजर मिला, तो हमने उसे जमीन में ट्रैप कर दिया। उसके बाद हमें एक चेस्ट मिली जिसमें थी एक अनब्रेकिंग 2 की बुक, रेल ट्रैक्स और बीट रूट सीड्स। उसके थोड़ी देर बाद हमें एक और चेस्ट मिल गई, और इस बार हमें मिले मेलन सीड्स, लेकिन जब हम जॉम्बी विलेजर को देखने गए तो वो गायब हो गया था। #sadlife। डे 31 पर हमने मॉ फार्म के पास एक नया खेत बनाया जिसमें हमने गाजर, बीटरूट और मेलन लगाया, और फिर थोड़े बहुत मॉब्स को मारा। डे 32 पर हम गए नेदर में और फिर वापस भी आ गए क्योंकि हम मटेरियल लाना भूल गए थे, लेकिन उसके बाद हम दोबारा नेदर में गए एक फोर्ट्रेस ढूंढने, और नेदर में जाने के थोड़ी ही देर बाद हम काफी बार मरते मरते बचे। गोल्ड बूट्स के लिए हम थोड़े बहुत गोल्ड नगेट्स माइन करने लगे, लेकिन तभी एक पिगलिन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लकीली हमने टाइम पर खुद को ब्लॉक से कवर कर दिया और हाफ हार्ट पर जिंदा बच गए। डे 33 पर हमने थोड़े और गोल्ड नगेट्स माइन किए और फिर अपने लिए गोल्ड बूट्स बनाए। इतने ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस के बाद हम घर की तरफ वापस गए, और रास्ते में हमें काफी सारी चीजें भी मिली, लेकिन घर वापस आते आते हमारे साथ एक बार फिर से चमत्कारी सीन हो गया था, पर भगवान की कृपा से हम इस बार भी बच गए। फिर हम घर वापस आए और बेकार सामान को लावा में फेंकने लगे, और पता नहीं हमारी डायमंड पिकैक्स का क्या हुआ, पता नहीं वो कहीं पर गुम हो गई, पता नहीं। उसके बाद हमने थोड़े पेड़ काटे और फिर एक नई डायमंड पिकैक्स बनाई। डे 34 पर हम गए माइनिंग पर, और इस बार हमें काफी जल्दी डायमंड्स भी मिल गए, और वो भी टोटल 8 डायमंड्स। उसके बाद भी हम डायमंड्स की तलाश करते रहे, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी और स्केलेटन आपस में लड़ाई करने लगे, और हमने उनके साथ एक सेल्फी भी खींची, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी ने हमें धोखा दे दिया, तो हमने उसे गायब कर दिया। डे 35 पर हम एक बार फिर नेदर में गए, और रास्ते में हमने एक पिगलिन से ढेर सारा गोल्ड ट्रेड किया, और हमें एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन, 5 हैंडर पर्ल और ढेर सारा सामान मिला। डे 36 से 38 तक हमने नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढा और हमें काफी सारी चीजें मिली, लेकिन नेदर फोर्ट्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं था।
डे 39 पर हमने काफी देर तक फार्मिंग की और अब हमें चाहिए था शुगर केन ताकि हम उससे पेपर बना सके। तो हम गए शुगर केन ढूंढने और अपने घर के थोड़ी दूर आइलैंड पर हमें शुगर केन मिल भी गया और फिर घर आकर हमने उसे फार्म किया। नेदर में हमने काफी दिनों तक बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, हमने अलग अलग बायोम को एक्सप्लोर किया और अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत सारी टेक्निक्स को ट्राई किया, लेकिन हमें फोर्ट्रेस मिल ही नहीं रही थी। पर फिर भी हमने अपनी यात्रा को जारी रखा और डे 43 पर हमें फाइनली एक फोर्ट्रेस मिल गई। हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। हमें ब्लेस स्पॉनर ढूंढने में काफी टाइम लगने वाला था। लॉल या शायद नहीं। ब्लेस स्पॉनर हमें फोर्ट्रेस में थोड़ी ही दूर जाने पर मिल गया। डे 44 पर हमने पूरा दिन ब्लेस को मारा और कई बार तो ब्लेस ने हमें ही मार दिया था। डे 45 पर काफी सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के बाद हम घर की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में हमें काफी सारे एंडरमैन मिल गए और हमें एंडरपर्ल की काफी जरूरत भी थी। तो डे 45 पर हमने पूरा दिन एंडरमैन को मारा और हमें 5 एंडरपर्ल मिले, लेकिन फिर हमें याद आया कि हम नेदर वॉर्ड लाना ही भूल गए थे। तो डे 46 पर हम फोर्ट्रेस में वापस आ गए और वहां से हमने ढेर सारा नेदर वॉर्ड और कुछ और चीजें भी लूटी, लेकिन एक बार तो सभी मॉब्स ने मिलकर हम पर अटैक कर दिया था, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। उसके बाद हम गए घर की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें एक बार फिर कुछ एंडरमैन दिखाई दिए, तो हमने उन सभी को मार दिया और हमें थोड़े एंडरपर्ल भी मिल गए। पिगलिन से ट्रेड करके हमारे पास पहले से 5 एंडरपर्ल पड़ी थी, तो अब हमारे पास टोटल 16 एंडरपर्ल हो गई थी। डे 47 पर हम गए घर की तरफ और काफी देर ट्रैवल करने के बाद हम घर पहुंच ही गए। नेक्स्ट डे हमने ब्लेज पाउडर और एंडरपर्ल से 16 एंडराइज बनाई, फिर हमने बनाया एक ब्रूइंग स्टैंड और उसके साथ वाली जेस में हमने पोशन बनाने का सामान रखा। उसके बाद हम बाहर आए और घर के साथ नेदर वॉर्ड को लगाया, फिर हम गए एंड पोर्टल की तलाश में और रास्ते में हमें एक ओशन मॉन्यूमेंट भी दिखाई दिया जिसे हम फिर कभी लूटेंगे। डे 49 पर हमें एक आइलैंड दिखाई दिया और एक दो बार एंडर आई फेंकने के बाद कंफर्म हो गया कि स्ट्रॉन्ग होल्ड उसी आइलैंड के नीचे है। तो हमने नीचे की तरफ माइनिंग शुरू की और थोड़ी ही देर में हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गई, लेकिन हमारे पास लकड़ी ही खत्म हो गई थी तो हमें फिर से ऊपर जाना पड़ा। जब हम ऊपर पहुंचे तो वहां पर वुल्फ और चिकन स्पॉन हो गए थे और नजदीक ही मीट और वुल पड़ा था, जिसका मतलब था कि वुल्फ ने शायद भेड़ को मार दिया। लेकिन हम काफी ज्यादा खुश थे कि हमें कुछ जानवर भी मिल गए जिन्हें हम अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। फिर हमने थोड़ी लकड़ी काटी और उसके बाद हम गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में। स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाते ही हमें एक लाइब्रेरी मिल गई, जहां पर हमने एंचेंटमेंट रूम के लिए बहुत सारी बुक्स कलेक्ट की और एक चेस्ट से हमें लूटिंग 2 की बुक भी मिली। उसके बाद हमने काफी देर तक एंड पोर्टल की तलाश की और थोड़ी देर में हमें एंड पोर्टल भी मिल गया। तो एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद हम वहीं पर बेड लगाकर सो गए। डे 50 पर हम ऊपर आए और हमने वुल्फ को टेम करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास बोन ही नहीं थी तो इसलिए हम अपने साथ चिकन को ले गए, क्योंकि चिकन के पंख से हम एरोज भी बना सकते थे और अपने साथ सिर्फ एक चिकन को ले जाकर हम उसके अंडों से और चिकन भी हैच कर सकते थे। तो काफी देर ट्रैवल करने के बाद हम घर पहुंचे, फिर हम चिकन को घर के अंदर ले गए और उसके बाद हमने अपने लिए एक डायमंड स्वॉर्ड और एक पिकैक्स बनाई। डे 51 पर हमने एक डायमंड चेस्ट प्लेट बनाई और फिर एक एनविल बनाया। एग को हैच करने पर हमें एक और चिकन मिल गया, तो हमने उसे ढेर सारा खाना खिलाया और बड़ा किया। फिर उन दो मुर्गियों ने एक बच्चा पैदा किया, उसे भी हमने खाना खिलाकर बड़ा कर दिया। फिर हमने अपने घर के पीछे उनके रहने के लिए एक जगह बनाई और फिर उन्हें बीज का लालच देकर कैप्चर किया। उसके बाद हमने उन्हें फिर से ब्रीड करवाया। डे 52 पर हमें मॉब फार्म से काफी सारे एरोस और पावर 1 वाला वो मिला, वो को हमने रिपेयर किया और नेदर से हम अपने साथ कुछ सामान लाए थे तो नेदर पोर्टल को हमने एक कस्टम लुक दिया। डे 53 पर हमने आइलैंड पर रास्ता बनाया, फिर अपनी पिकैक्स और स्वॉर्ड पर बुक्स एंचेंटमेंट्स ऐड की और फिर नेदर पोर्टल को कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे हमने घर के नीचे एंचेंटिंग रूम बनाया। स्ट्रॉन्ग होल्ड से लाई हुई बुक्स से हमने बुक शेल्फ बनाई और उन्हें एंचेंटिंग रूम में प्लेस कर दिया और डे 56 को हमारा एंचेंटिंग रूम पूरा हो गया। एंचेंटमेंट करने के लिए हमें एक एंचेंटमेंट टेबल चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक डायमंड कम पड़ रहा था। तो डे 57 पर हम गए डायमंड ढूंढने और डे 59 पर हमें 8 डायमंड मिले, लेकिन हमने सिर्फ एक ही डायमंड माइन किया क्योंकि बाकी के डायमंड्स हम फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स से माइन करेंगे। तो हम जल्दी से घर गए और हमने एक एंचेंटमेंट टेबल बनाया। उसके बाद हमने एक ग्राइंडस्टोन बनाया और अपनी पिकैक्स से पुरानी एंचेंटमेंट को रिमूव किया। पिकैक्स पर हमें एफिशिएंसी 4 मिल रही थी, बट हमें फॉर्चून 3 चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने उसे एंचेंट किया और हमें उसके साथ फॉर्चून 3 भी मिल गई। हम बहुत ज्यादा खुश थे, तो इसलिए हम गए डायमंड्स माइन करने और फॉर्चून 3 से माइन करने पर हमें 15 डायमंड्स मिले और डायमंड लेगिंग्स के लिए हमारे पास कुछ डायमंड कम पड़ गए, तो इसलिए हमने माइनिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया। कुछ ही देर में हमें दोबारा डायमंड्स मिल गए और हमने जल्दी से डायमंड आर्मर को कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हम रुकने नहीं वाले थे तो हमने काफी देर तक माइनिंग कंटिन्यू रखी और हमें 2 बार डायमंड्स मिले और अब हमारे पास टोटल 36 डायमंड्स हो गए थे।
डे 60 पर हमने चिकन को खाना खिलाया और फिर हमने अपने लिए डायमंड टूल्स बनाए। फिर हमने अपनी स्वॉर्ड से पुरानी एंचेंटमेंट को रिमूव किया और उसे दोबारा एंचेंट किया, पर इस बार हमें ज्यादा अच्छी एंचेंटमेंट नहीं मिली। हम बो को भी एंचेंट करने लगे, लेकिन लेवल 30 करने के लिए हमें थोड़े और एक्सपीरियंस की जरूरत थी। तो नेक्स्ट डे हमने चिकन्स को ब्रीड करवाया और काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया। फिर हम वो को एंचेंट करने लगे और हमें उस पर अनब्रेकिंग 3 मिल रहा था और उसके साथ ही हम इन्फिनिटी की उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो गया। उसके बाद हमने ट्री फार्म पर थोड़ा काम किया, फिर हमने मॉ फार्म के ऊपर एफ के रूम बनाने का सोचा और उस पर काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे हमने उसे पूरा कर लिया और फिर बाकी के दिन फार्मिंग की। डे 63 पर हमने एक बार फिर चिकन्स को ब्रीड करवाया और फिर उनके एग्स को हैच किया। अब हमारे पास बहुत ही सारे चिकन हो गए थे। उसके बाद हमने गन्नों के बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाया, लेकिन पानी में एक स्लाइम स्पॉन हो गया था तो हमने उसे मारा और फिर स्लाइम बॉल्स इकट्ठा की। डे 64 पर हमने घर पर थोड़ा काम किया, उसके बाद हमने चिकन्स को ब्रीड करवाया और अब हमारा लेवल 30 हो गया था, जिसका मतलब था कि हम आर्मर को एंचेंट कर सकते थे। तो हमने डायमंड आर्मर को पूरा एंचेंट किया और उसके बाद भी हमारे पास थोड़े लेवल्स बच गए थे, तो उनसे हमने थोड़े टूल्स को एंचेंट कर दिया और हमें काफी सारी अच्छी एंचेंटमेंट्स मिली। लास्ट के कुछ दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी थे और अब टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने का, या शायद नहीं। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन मॉब फार्म की तरफ से एक क्रीपर आ गया और खुद को एंचेंटेड डायमंड आर्मर और शील्ड से कवर करने के बाद भी हम नहीं बच पाए। हंड्रेड डेज हम सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मजा आया और होपफुली तुम्हें देखने में भी उतना ही मजा आया होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मंथ 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर सके, तो हो सके तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर करना। एंड लेट्स सेम फॉर 300 लाइक्स और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।